होते हैं जो खाली दिन में पढ़ते हैं, मान लीजिए सुबह पढ़ लिया 2 घंटे, तो लगता है यार अब यू हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आई होगी। जो स्टूडेंट आज शुरू कर रहे हैं तैयारी और हाँ साथ में बैंक में काम कर रहा है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा जी, चैलेंज हो जाता है कि यार 2 घंटे में तो बहुत कम सिलेबस पूरा हुआ है, तो किस तरह से देखो मैनेज करें। उसमें ये, उसमें ये बात है, देखो अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपने बैंक का एग्जाम भी क्लियर किया है, तो पॉइंट रीजनिंग इंग्लिश आपकी अच्छी है तभी आपने किया है, उसी की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। आप वीक में 2 टेस्ट दे दो, 3 टेस्ट, 3 टेस्ट दे दो सुबह शाम में करके, संडे होगा ठीक है, मेरे को एडवांटेज था कि ठीक है सैटरडे संडे दोनों हफ्ते, पर जितना टाइम मिल रहा है आपको उसमें जितने मेहनत कर सकते हो कर लो। मॉक टेस्ट दे गए इंग्लिश में, ठीक है करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन ही पढ़नी है तो उसमें ठीक है उसको निकाल दो, क्योंकि आपकी आधी से ज्यादा तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है तभी आपने बैंक का क्लियर किया है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो आपको बस फेस टू पर की तैयारी दूसरा मत, करनी। हाँ फेस टू की तैयारी करनी है आपको बस।